वेलकम स्टूडेंट, मैं पल्लवी निशा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, विद्या भवन महिला कॉलेज सिवान, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। मैं बीए पार्ट वन के स्टूडेंटों के जो ऑनर्स पेपर है, हिस्ट्री ऑनर्स पेपर टू के बारे में बताने जा रही हूँ। हिस्ट्री के ऑनर्स पेपर टू में आपका जो पेपर पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1603 से लेकर 1939 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत जो आपका पहला टॉपिक है वह है अर्ली स्टुअर्ट रेजिडेंस, यानी कि प्रारंभिक स्टुअर्ट राजाओं के बारे में आपको पढ़ना है, उनकी विदेशी नीति के बारे में पढ़ना है, उनकी फॉरेन पॉलिसी के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को एक चार्ट के माध्यम से इस उनकी पूरी वंशावली, जो स्टुअर्ट वंश का जो शासन काल होता है वह होता है 1603 से 1714 ईस्वी तक। स्टुअर्ट वंश का शासन काल होता है और स्टुअर्ट वंश के जो प्रथम राजा हैं जेम्स प्रथम, और इनका कार्यकाल है 1603 से लेकर 1625 ईस्वी तक। 1603 से 1625 ईस्वी तक जेम्स प्रथम का शासन काल होता है। जेम्स प्रथम इंग्लैंड के राजा बनने के पहले स्कॉटलैंड के शासक थे, और ट्यूडर वंश, जो इसके पहले ट्यूडर वंश का शासन था, और यह शासन था 1485 से लेकर 1603 ईस्वी तक। ट्यूडर वंश के संस्थापक थे हेनरी सप्तम, और हेनरी सप्तम जो थे इसके ट्यूडर वंश के संस्थापक थे, और इसकी अंतिम जो रानी थी वह थी एलिजाबेथ। अंतिम महारानी ट्यूडर वंश की थी। तो एलिजाबेथ कुंवारी रानी थी, इन्होंने विवाह नहीं किया था इसलिए इनकी कोई संतान नहीं थी, और उत्तराधिकारी के रूप में इन्होंने किसी को मनोनीत नहीं किया था। तो एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी की समस्या आती है, और तब हेनरी अष्टम, जो हेनरी सप्तम के पुत्र होते हैं हेनरी अष्टम, और उनकी बहन होती है मार्गरेट, उनके पर पोते होते हैं जेम्स प्रथम। यह मार्गरेट के पर पोते हैं, पर पोते मार्गरेट के पर पोते जेम्स प्रथम हैं, और स्कॉटलैंड में ये जेम्स सस्टम के नाम से जाने जाते थे, जो स्कॉटलैंड के राजा थे, ये स्कॉटलैंड के राजा थे, और वहाँ पर ये जेम्स सस्टम के नाम से जाने जाते थे। जब इंग्लैंड की जनता, इंग्लैंड की पार्लियामेंट जेम्स सस्टम को इंग्लैंड में राजा अपना मनोनीत करते हैं, तब यहाँ ये जेम्स प्रथम के नाम से राजा बनते हैं। तो यह एक क्रम होता है जेम्स प्रथम का स्कॉटलैंड के राजा बनने के बाद इंग्लैंड के राजा बनने का, क्योंकि एलिजाबेथ की मृत्यु जब होती है ट्यूडर वंश में, तो उनकी कोई संतान नहीं होती है, और उत्तराधिकारी के रूप में ट्यूडर वंश के हेनरी अष्टम की बहन मार्गरेट के ये परपोते होते हैं जेम्स प्रथम। स्कॉटलैंड में जेम्स सस्टम के नाम से जाने जाते हैं, और इंग्लैंड में जेम्स प्रथम के नाम से वो राजा बनते हैं। तो यह ये जो प्रक्रिया इनके राजा बनने की थी, तो इनके द्वारा इंग्लैंड में एक सिद्धांत को दिया गया, जो है राइट ऑफ डिवाइन थ्योरी, राजा का दैवीय अधिकार। तो राजा का दैवीय अधिकार का जैसे ही सिद्धांत शुरू होता है, इंग्लैंड और वहाँ की जो संसद होती है पार्लियामेंट, उसके बीच हम लोग संघर्ष की शुरुआत को भी देखते हैं। तो यह क्रम चलता रहता है। जेम्स प्रथम की मृत्यु 1625 ईस्वी में होती है, और इसके बाद अगला शासक होते हैं चार्ल्स प्रथम, जो इनके पुत्र होते हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है 1625 से लेकर
1649 ईस्वी तक। ये 1625 से 1649 ईस्वी तक इंग्लैंड में शासन करते हैं, और इन्हीं के शासनकाल में इंग्लैंड में सिविल वार शुरू होता है। सिविल वार यानी कि गृह युद्ध। इन्हीं के शासनकाल में हम देखते हैं कि इंग्लैंड में सिविल वार शुरू होता है और गृह, जिसको गृह युद्ध कहते हैं, गृह युद्ध की शुरुआत होती है। और यह शुरुआत राजा और पार्लियामेंट के बीच के संघर्ष के फलस्वरूप ही होती है। तो इस गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि 30 जनवरी 1649 ईस्वी को इन्हें फांसी दी जाती है राजद्रोह के आरोप में। इनको फांसी दिया जाता है राजद्रोह का आरोप लगाकर। राजद्रोह के आरोप में 30 जनवरी 1649 ईस्वी को चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी जाती है। और इंग्लैंड में इसके बाद जो शासन शुरू होता है वह होते हैं क्रॉमवेल। इनका पूरा नाम है ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल, इनका शासनकाल 1649 से 1660 ईस्वी तक होता है। 1649 से 1660 ईस्वी तक ओलिवर क्रॉमवेल का शासन होता है। और ये एक सैनिक होते हैं ओलिवर क्रॉमवेल, और इनके द्वारा इंग्लैंड में जो शासन व्यवस्था स्थापित की जाती है वह मिलिट्री शासन व्यवस्था होती है, सैनिक शासन व्यवस्था की स्थापना की जाती है। लेकिन इनके द्वारा जो शासन स्थापित किया जाता है वह जनता को पसंद नहीं आती है, और जनता के द्वारा राजतंत्र की पुनः स्थापना की मांग होती है। तो 1649 से 1660 ईस्वी तक ओलिवर क्रॉमवेल का शासन होता है। और आपको बता दें कि 1658 ईस्वी में जब क्रॉमवेल की मृत्यु हो जाती है तो यह सैनिक शासन धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। फलस्वरूप आप देखेंगे कि 1660 ईस्वी में फिर पुनर्स्थापना होती है इंग्लैंड का जो इतिहास है वहाँ पर 1660 ईस्वी में पुनर्स्थापना होता है। और ओलिवर क्रॉमवेल इस बीच द प्रोटेक्टरेट की उपाधि से शासन करते थे। 1660 ईस्वी में पुनर्स्थापना होता है, यानी कि पुनर्स्थापना मतलब यहाँ है पुनः स्टुअर्ट राजवंश की स्थापना होती है। पुनः स्टुअर्ट राजवंश की स्थापना की जाती है 1660 ईस्वी में। इस क्रम में हम देख रहे हैं कि इन दोनों शासनकाल में जेम्स प्रथम, चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में इंग्लैंड और पार्लियामेंट के बीच संघर्ष होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राजा की वो फांसी दी जाती है। उसके बाद क्रॉमवेल का शासन शुरू होता है, ओलिवर क्रॉमवेल जिनका सैनिक शासन, इनके द्वारा सैनिक शासन की स्थापना की जाती है। यह सैनिक शासन की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। और इन जो है राजतंत्र में परिवर्तन के बाद जनता के द्वारा पुनः 1660 ईस्वी में पुनर्स्थापना होती है और पुनः स्टुअर्ट राजवंश की स्थापना की जाती है। स्टुअर्ट राजवंश की पुनर्स्थापना के बाद चार्ल्स द्वितीय, जो चार्ल्स प्रथम के पुत्र होते हैं, वो शासक बनते हैं। इनका शासनकाल होता है 1660 से 1650 ईस्वी तक। इनके शासनकाल में सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन शासन के काल के उत्तरार्ध में इनके द्वारा भी अपने पूर्वजों की भांति ही नीति को अपनाने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद शासक होते हैं जेम्स द्वितीय, और इनका शासनकाल होता है 1685 से 1688 ईस्वी तक। और पुनः जेम्स द्वितीय के द्वारा प्रारंभिक स्टुअर्ट राजाओं के भांति ही निरंकुशता का परिचय दिया जाता है, स्वेच्छाचारिता का शासन अपनाया जाता है। फलस्वरूप 1688 ईस्वी में इंग्लैंड के इतिहास में रक्तहीन क्रांति होती है, जिसको गौरवपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। रक्तहीन क्रांति, इसे गौरवपूर्ण क्रांति या ग्लोरियस रेवोल्यूशन के भी नाम से ये जाना जाता है। रक्तहीन क्रांति या गौरवशाली क्रांति का मतलब कि इस एक ऐसा युद्ध इंग्लैंड के इतिहास में जिसमें रक्त की एक बूंद भी नहीं होती है, सिर्फ समझौता और वार्ता के द्वारा ही शासन का परिवर्तन हो जाता है। यानी कि जेम्स द्वितीय जो है
वो राजपाट छोड़ देते हैं और 1688 ईस्वी की रक्तहीन क्रांति के बाद इंग्लैंड में विलियम तृतीय और रानी मेरी का शासन होता है। दोनों का संयुक्त तो शासन हम देखेंगे कि 1689 से 1694 ईस्वी तक विलियम तृतीय और रानी मेरी का शासनकाल होता है। रानी मेरी की मृत्यु के बाद स्वतंत्र रूप से विलियम तृतीय 1694 से 1702 तक शासन करते हैं और 1702 के बाद 1714 ईस्वी तक रानी एन का शासनकाल होता है। और रानी एन के शासनकाल की खासियत यह होती है कि इन्हीं के समय में 1707 ईस्वी में स्कॉटलैंड इंग्लैंड में शामिल कर लिया जाता है, स्कॉटलैंड का विलय होता है। तो और 1714 ईस्वी में जब रानी एन की मृत्यु होती है तो हनोवर वंश की स्थापना की जाती है। तो यह एक मैंने आपको अर्ली स्टुअर्ट सर्वजन जो 1603 से 1714 ईस्वी तक है उसके बारे में बताने का प्रयास किया है। इस चार्ट के द्वारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से जेम्स प्रथम के बाद चार्ल्स प्रथम के बाद सैनिक शासन होता है, ओलिवर क्रॉमवेल के शासन के बाद 1660 ईस्वी में इंग्लैंड में पुनर्स्थापना होती है और पुनः स्टुअर्ट राजवंश की स्थापना की जाती है। चार्ल्स द्वितीय उसके बाद शासन होते हैं, चार्ल्स द्वितीय के बाद जेम्स द्वितीय होते हैं और इन दोनों की नीतियों के फलस्वरूप 1688 ईस्वी में रक्तहीन क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति या गौरवशाली क्रांति या ग्लोरियस रिवोल्यूशन ये जो इंग्लैंड में है वो होता है। उसके बाद विलियम तृतीय और रानी मेरी का शासन है, विलियम तृतीय के बाद रानी एन का शासन होता है और इनके शासनकाल में 1707 ईस्वी में स्कॉटलैंड का विलय इंग्लैंड में होता है और रानी एन की मृत्यु के बाद हनोवर वंश की स्थापना होती है और एक नए राजवंश की स्थापना होती है। तो आपको मैंने इस वीडियो के द्वारा किस तरह से ट्यूडर वंश की समाप्ति के बाद स्टुअर्ट वंश होता है और स्टुअर्ट वंश के प्रमुख शासकों के बारे में मैंने बताया है। तो अगले क्लास में मैं इसी सिलसिले को जारी रखूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।